Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today our topic is distance and displacement. First of all we discuss its concept, then definition of distance, displacement and formula of displacement and properties of displacement. And then further we will discuss examples of distance and displacements. Let's suppose आपने अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जाना है सो यू हैव टू रोड्स रोड नंबर वन जो ग्रीन लाइन में है और रोड नंबर टू जो ब्लैक लाइन में है तो लेट्सपोज़ करें कि जो ग्रीन कलर में जो लाइन शो की गई है वो रोड नंबर वन है उस रोड का टोटल पाथ जो है वो लेट्स सपोज़ ट्वेंटी किलोमीटर है और रोड टू की टोटल लेंथ एट किलोमीटर है तो आप जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ को प्रेफर करेंगे अपने घर से स्कूल जाने के लिए तो याद रखें कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन में नहीं होता अब आपके पास यहाँ पे जो ग्रीन कलर में लाइन है वो डिस्टेंस है और जो ब्लैक कलर में लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली डिस्टेंस कोई भी दो पार्ट के दरमियान जितना पाथ होगा हम उसको डिस्टेंस कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिस्टेंस में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है जैसा कि अब यहाँ पे ग्रीन लाइन में आप बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे आप स्टार्ट करेंगे अपना पाथ तो बिल्कुल आगे जाके स्ट्रेट फिर टर्न लेंगे फिर स्ट्रेट जाएंगे फिर एक कर्व रोड आती है फिर स्ट्रेट हो जाते हैं फिर कर्व है सेम इसी तरह डायरेक्शन इसकी हर पॉइंट पर चेंज होती है बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता डिसप्लेसमेंट में थ्रू आउट द पाथ आपकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है तो अब यहाँ पे पहुँचना तो एक ही पॉइंट पे है घर से स्कूल की तरफ पहुँचना है बट दोनों में एक तो डिफरेंस है उनकी लेंथ का और दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन का है अब दोनों केसेस में रोड वन से भी और रोड टू से भी पाथ तो कवर करना है बट जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो टोटल पाथ है उसको प्रेफर किया जाता है विदाउट डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है बट शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स विथ डायरेक्शन जहाँ पे डायरेक्शन का आपको स्पेसिफाइड हो बिल्कुल एक कॉन्स्टेंट uh, डायरेक्शन के साथ मूव करना हो और शॉर्टेस्ट पाथ हो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए डिस्टेंस की तो डैट इज लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स अब जैसे यहाँ पे फिगर पे नज़र आ रहा है आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है लेट्स सपोज पॉइंट ए आपका घर है और पॉइंट बी आपका स्कूल है तो आपने एक ब्लू शेड में जो लाइन है आपने ये टोटल पाथ कवर किया बेसिकली डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान जितना पाथ होगा जितनी लेंथ होगी उसको कहा जाता है तो अब यहाँ से आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है और जो ब्लैक डॉटेड लाइन में है या ब्लू शेड में आपको नजर आ रही है वो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है डिस्टेंस को कैपिटल एस से शो किया जाता है जो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है तो लेंथ हमारे पास जितनी भी होगी दो पॉइंट्स के दरमियान उस टोटल लेंथ को बेसिकली डिस्टेंस कहा जाता है नाउ हेयर डिस्कस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ को कहा जाता है जो दो पॉइंट्स के दरमियान वो लेंथ कवर की होती है डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अब जैसे मैंने फ़र्स्ट स्लाइड में आपसे कहा था कि लेट्स सपोज जो हमारे पास रोड टू है वो एट किलोमीटर है तो अब यहाँ पे एट किलोमीटर आपके पास क्या है बेसिकली uh, जो आपके पास मैग्नीट्यूड है एक नमेरिकल वैल्यू है वो आपके पास ऐसा SI यूनिट के साथ दे दी और आपको डायरेक्शन का भी पता है ये जो रेड एरो में है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है आपको पता है कि आपने बिल्कुल एक शॉर्ट पाथ से जाना है और बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये रास्ता बनता है और आपने अपने घर से स्कूल की तरफ रवाना हो जाना है तो डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डी से शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी होती है जो लेंथ ही होती है बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान विद स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड देती हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो रोड uh, वन है वो ट्वेंटी लेट सपोज ट्वेंटी किलोमीटर उसका टोटल पाथ uh, है या उसकी टोटल लेंथ है तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी आप किसी भी डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किसी भी डायरेक्शन से जो है वो मूव कर सकते थे उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देते हैं विद एस यूनिट ठीक है जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है जैसे एट किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ नॉर्थ तो डायरेक्शन भी हमें एक स्ट्रेट पाथ होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमें डायरेक्शन का कन्फर्म होता है कि ये डायरेक्शन हमारे पास है और इस डायरेक्शन से हमने शॉर्टेस्ट पाथ पे मूव करना है तो वेक्टर क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ जबकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर कोंटिटटी हो डेट गिव अर्स ओनली मैग्नीट्यूड विथ नो डायरेक्शन नाउ स्टूडेंट्स हेयर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज एंड एकशन्स फॉर डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है तो पॉजिटिव कैसे होगी और नेगेटिव कैसे हो गई ये अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डिसप्लेसमेंट ज़ीरो कैसे और कब होती है डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो व्हेन यू स्टार्ट एंड एंड एट द सेम स्पॉट डिस्प्लेसमेंट तब ज़ीरो होगा जब आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें लेट्स सपोज़ आपने फाइव मीटर डिस्टेंस कवर किया और आप किसी पॉइंट टू पे पहुंच गए और सेम आपने पॉइंट टू से दोबारा उसी डायरेक्शन से पॉइंट ए की तरफ आपने मूव किया तो आपने यहाँ पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया अब यहाँ पे जो जीरो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात की गई है यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल दी गई है लेट्स सपोज आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया और आपने फाइव मीटर डिस्टेंस कवर किया पॉइंट ए पे आप रेस्ट पोजीशन पे थे वहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी और पॉइंट बी पे आप पहुँच के भी रेस्ट पोजीशन पे आ गए वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी जीरो थी सेम आपने बी पॉइंट से अगेन मूव किया टू पॉइंट ए तो वहाँ पे आके आपने आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में तो हमारे पास टोटल अगर हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ज़ीरो माइनस ज़ीरोस टू ज़ीरो तो यहाँ पे कोई चेंज वेलोसिटी में नहीं हुआ तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी सेम डायरेक्शन में तो अब आप क्या करोगे कि जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आएगा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है ठीक है तो अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे पास सेम था तो जब हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आंसर ही आएगा अब यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की एग्जाम्पल दी गई है लेट सपोज़ आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ मूव किया और आपने पाथ फाइव मीटर कवर किया तो जब पॉइंट ए पे थे आप आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और जब आप पॉइंट बी पे पहुंच गए तो आपकी फाइनल वेलोसिटी फ़ाइव होगी तो जब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास फाइव फाइनस जीरोस टू फाइव देगा तो यहाँ पे फाइव पॉजिटिव वैल्यू है तो जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा होगी तब आपके पास डिसप्लेसमेंट पॉजिटिव होगा नाउ हेयर वी डिस्कस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पॉइंट ए पे आपको शो किया गया एक ब्लू लाइन पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी की तरफ मूव करना है और पॉइंट ए पे आपकी वेलोसिटी थी फाइव और पॉइंट बी पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो जब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो थी माइनस फाइव डैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, सो इट विल बिकम डी इक्वल्स टू जीरो माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस फ़ाइव माइनस बेसिकली यूजली जो हमारे पास डायरेक्शन को ऑपोजिट करने के लिए यूज़ किया जाता है अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी और कॉमनली मैथ्स का रूल है कि जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास माइनस का साइन आता है तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो डिसप्लेसमेंट